सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर दिन तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ तो मैं अपने 100% दे पाता हूँ, बट सर कई दिन लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, तो सर उसको कैसे कॉप अप करें? वो ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, अगर वो सर ऐसे पीक पे रहेगा तो मैं अपने 100% ज़्यादातर दिन दे पाऊँगा। हाँ देखो, इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसा वाला, ये सिर्फ मुर्दों का होता है। जैसे मूवीज में आपने देखी होगी, मूवीज में देखा है ना, टी टी टी, ये हाँ है ना, आता है ना ऐसे करके। हाँ ये काम तो बाद में हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो आपको मारना पड़ेगा, वो काम मैं करूँगा, ये मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ सब, कि कोई भी इंसान ऐसा है दुनिया में जो ऐसे चले, जीते जी नहीं हो सकता। जी रहे हैं तो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जिसको आप डीमोटिवेशन बोलते हो, जिसको आप ये बोलते हो कि डीमोटिवेशन किसे बोलते हो, अंदर से एनर्जी नहीं है किसी भी काम को करने की, उसको आप बुरा समझ रहे हो। एक्चुअल में वो बुरी नहीं है, वो स्टेट, दैट इज़ अ स्टेट जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर हमें कुछ भी करना है, कभी जानवरों को देखा है जंगल में शिकार करते हुए? नहीं गए जंगल वंगल में, नहीं गए कभी, इतने एडवेंचरस कोई नहीं है यहाँ हमारा। हाँ कहाँ पर? अच्छा डिस्कवरी में देखा है, राइट, हाँ वो भी काफ़ी है, नहीं तो डिस्कवरी में जा करके देख लो। तो कभी ध्यान से देखना कोई जानवर शिकार कैसे करता है। अगर शेर को शिकार करना है तो कई कई बार आधा आधा घंटे तक, एक एक घंटे तक एक ही पोजीशन में वहाँ पर खड़ा रहेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है अटैक करने की। तो अगर उस टाइम पे वो भी बंदा इस खेल को नहीं समझेगा तो वो क्या कहेगा, मैं डीमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूँ, मैं अटैक ही करता रहूँ ना पूरा दिन। तो अगर वो पूरा दिन अटैक करता रहेगा तो चांसेस हैं कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो एक दिन में ये कह सकते हो कि बहुत देर तक टिक करके एक जगह पर बैठा रहता है, यानी कि रेस्ट कर रहा होता है, रेस्ट ही हो रहा है ना, बॉडी मसल्स ये वो सब रेस्ट पोजिशन में है, लेकिन अवेयरनेस पूरी है, सोया हुआ नहीं है, तैयार हो रहा है अगली छलांग मारने के लिए। इससे पावर आ जाती है एक्शन में। यू गॉट इट नो व्हाट आई एम सेइंग? हाँ प्लीज प्लीज हैव अ सीट। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को भी सबको? क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो सब मेरे से पूछते हैं हर सेशन में, ऑलमोस्ट कोई ना कोई पूछता है सर हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे? मोटिवेशन मीन्स डूइंग समथिंग। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ करता कैसे रहूं, ऐसा कैसे होगा? कभी करोगे तो रुकोगे भी तो सही ना। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है कि जैसे दो वो थे लकड़हारे बोलते हैं जो पेड़ काट रहे थे, ये सुना है आप लोगों ने एग्जाम्पल? सुना होगा, जिसने नहीं सुना मैं बता देता हूँ, बड़ा कॉमन सा है ये। दोनों ने साथ साथ में पेड़ काटना शुरू किया, एक दिन में मान लो 10 पेड़ काटते थे दोनों। कुछ टाइम बाद, एक महीने बाद क्या हुआ कि एक बंदा 10 से 20 पेड़ पे पहुंच गया, 20 पेड़ काटने लगा, और जो दूसरा बंदा था वो 1 पेड़ पे आ गया, जबकि मेहनत वो 1 वाला ज़्यादा कर रहा था और जो 20 वाला था वो कम कर रहा था। वो 4 घंटे काम कर रहा था, ये 8 घंटे काम कर रहा था, 8 घंटे के बावजूद भी वो 1 पेड़ काट रहा था और वो 4 घंटे में 20 पेड़ काट रहा था। तो वो क्या कर रहा था, उससे जब जा करके पूछा समझा तो वो 4 घंटे पेड़ काट रहा था और बाकी के 4 घंटे उसकी धार तेज कर रहा था अपनी जो आ रही है उसकी। ये बात पकड़ में आई? हाँ, तो आप कितनी धार तेज करते हो अपनी इस ब्रेन की, जिस ब्रेन से आपको सोचना है करना है, इस बॉडी के ऊपर कितना काम करते हो? इस बॉडी के ऊपर हम काम नहीं करते हैं, फिर बात करते हैं लेजीनेस की, लेजीनेस तो आनी ही है। बॉडी के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो, बॉडी की धज्जियां तो उड़ा रहे हो, 8-8 घंटे तक मोबाइल के ऊपर लगे हुए हो, कर रहे हैं ना ये सब हम, इसकी वजह से बॉडी पूरी स्टिफ हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो सुस्ती आएगी, जिसको लेजीनेस बोलते हैं। तो आप बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड पे क्या काम कर रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो माइंड की पावर्स बढ़ाने के लिए, माइंड की पावर्स बढ़ती कैसे हैं, ब्रेन की पावर्स कैसे बढ़ती हैं? हाँ, एक तो है ब्लड सर्कुलेशन से, दूसरा है कि ब्रेन को रेस्ट देने से। रेस्ट सोने वाला रेस्ट नहीं कह रहा मैं यहां पर, मतलब बीइंग एब्सोल्युटली अवेयर बट नॉट डूइंग एनीथिंग। उससे क्या होता है, ब्रेन शार्प हो जाती है। कितनी शार्प हो सकती है उसकी कोई हद नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पास्ट में, बड़े से बड़े, चाहे बाहर की दुनिया के चाहे अंदर की दुनिया के, उसमें आप एक चीज नोट करोगे, वो लोग कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक कुछ कुछ केसेस में बैठे रहते थे एक ही जगह पर, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और जब कुछ नहीं कर रहे होते थे तब डिस्कवरी होती थी।
बात समझ आई? दूसरी तरफ से ऐसे लाखों साइंटिस्ट आए और गए, उन्होंने क्या किया जिंदगी में, 50 साल तक खच्चरों की तरह सिर्फ काम ही काम किया, सुबह से रात तक लेबोरेटरी में लगे रहे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। करने से सब कुछ थोड़ी होता है, ना करने की पावर जिस दिन आपको समझ आ गई कुछ ना करने की, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूं, जागे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ना अंदर ना बाहर, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त आपकी ब्रेन एक ऐसे कंप्यूटर की जैसी होती है जो अभी अभी फॉर्मेट हुआ है, और फॉर्मेट होते ही उसके बाद में जैसे ही कोई थॉट उसके अंदर जाता है एकदम से प्रोसेस होकर के बाहर आता है। तो ये है एक्चुअल सॉल्यूशन। पकड़ में आ गई ना बात? तो डोंट लिव इन दिस इल्यूजन। इनफैक्ट ये बड़ा खतरनाक स्टेट है अगर इसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मान लो ठीक है, मैंने आपको कोई ऐसी गोली दी, आपको कहा डेली ये दो गोलियां खा, बैठ भी नहीं पाओगे आप, इतनी एनर्जी आ जाएगी अंदर से। ऐसी हैं कुछ गोलियां होती हैं, ठीक है, तो अब आप खाओगे भागते ही रहोगे, धड़ 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 धड़, या कोई काम है तो करते ही रहोगे खच्चरों की तरह, तो आप कभी सोच नहीं पाओगे। हाइपर एक्शन मोड में जब आप होते हो तो उस वक्त सोच नहीं रहे होते हो। सोचने के लिए टिक करके बैठना आना चाहिए, अपनी ब्रेन को साइलेंट करना आना चाहिए।